हाय गाइस, आई एम शाहनवाज, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एडीबीवीआईएमएस एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। सो आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एबीवीआईएमएस। अभी अभी नीट का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों को लेना होगा एबीवीआईएमएस। एबीवीआईएमएस एक नया इंस्टीट्यूट है तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल इंटरनेट पर। सो एज अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एडीबीवीआईएमएस आई विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एबीवीआईएमएस, लाइक फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड, पीज इंटरनल कोटा, बैच स्ट्रेंथ, कट ऑफ। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर ऐसा कुछ है कि मैंने वो इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो कमेंट बिलो, आई विल आंसर योर क्वेरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पीज इंटरनल कोटा। तो पीज इंटरनल कोटा समझने से पहले आपको ये रिक्वायरमेंट समझने की है कि दिल्ली के अंदर दो यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी दिल्ली के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं वो दो यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, डीयू एंड आईपीयू। डीयू के अंदर आते हैं लाइक यूसीएमएस, एमएमसी, एलएचएमसी, ये डीयू के अंदर आते हैं। आरएमएल, वीएमएमसी, बाबा साहेब अम्बेडकर, एनएनडीएमसी, ये आते हैं आईपीयू के अंदर। डीयू और आईपीयू दोनों के अंदर जितने भी पीजी सीट्स हैं वो यू के स्टूडेंट्स के लिए 50% सीट रिजर्व है। ऐसी आईपीयू के अंदर 50% सीट रिजर्व है आईपीयू के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन सीट्स के कंपेयर में जो बच्चे हैं वो डीयू के अंदर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आईपीयू। आईपीयू के अंदर जो सीट्स के कंपेयर में बच्चे हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, तो जो रेशियो यूजी और पीजी का रेशियो वो आईपीयू में ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू डीयू। आईपीयू के अंदर सीट मिलना आसान है एज कम्पेयर टू डीयू इन पीजी फ्यूचर में। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल पीजी कोटा जो आरएमएल के पास है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड, तो आरएमएल के अंदर कोई भी रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है। आरएमएल क्या, दिल्ली के किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन आरएमएल के अंदर एक सिक्योरिटी बॉन्ड है जो 25,000 का है। अगर आप अपनी सीट लीव करते हैं एमबीबीएस कंप्लीट होने से पहले तो वो आपको बॉन्ड साइन करवाया जाता है 25,000 का। वो आईपीयू के अंदर 25,000 का है और डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर वो बॉन्ड 3 लाख का है। तो वो सब एक सिक्योरिटी बॉन्ड है, ऐसा कोई रूरल सर्विस बॉन्ड किसी भी दिल्ली मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं है। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट ईयर की फीस है 36,000 पर ईयर, जिसमें से 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और सेकेंड ईयर से वो फीस, क्योंकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सिर्फ एक ही बार देना पड़ेगा 5,000 का, तो सेकेंड ईयर से फीस हो जाएगी 31,000 पर ईयर। तो फर्स्ट ईयर की फीस 36,000 पर ईयर। ना अगर बात करें बैच स्ट्रेंथ की, तो बैच स्ट्रेंथ है 100 की, छोटा सा बैच है 100 का, और जैसे कि कुछ कॉलेजेस के अंदर तो बहुत बड़ा बैच होता है, लेकिन एमएमसी के अंदर, एलएचएमसी के अंदर 250 का बैच है। छोटी बैच होने के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि कैडेवर पर कैडेवर पर बैच बच्चे कम आते हैं, जिससे कि सीखने में आसानी होती है, और लैब्स के अंदर इक्विपमेंट सर किसी को अलग अलग मिल जाते हैं अपने, लेकिन 250 के बैच में कहाँ से मिलेंगे इक्विपमेंट सबको अलग अलग, तो ये है। एंड अभी 100 के बैच में ही मुझे अपने सारे जो मेरे बैच के हैं उनके नाम याद नहीं हुए, वो 250 के बच्चों के नाम कैसे याद रखते होंगे यार। अभी भी एक सीन हुआ था मेरे साथ कि मुझे अपने बैच के बच्चे का नाम ही नहीं पता था सर। एक सीनियर तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका नाम क्या है, वो साथ ही खड़ा था सीनियर्स के, तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, तो कहने लगे अरे तेरे बैच का है, इसलिए इसका नाम नहीं पता। तो 250 के बैच में वो कैसे याद रखते होंगे यार सब, और 100 के बैच में याद नहीं हो रहा मुझे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। तो ये जो कट ऑफ बताऊंगा ये 2020 की है, 2019 की नहीं है, लास्ट ईयर की कट ऑफ है। पहले बताऊंगा ऑल इंडिया कट ऑफ, देन बताऊंगा स्टेट कट ऑफ। तो अगर बात करें ऑल इंडिया कट ऑफ की, तो जनरल थी 448 रैंक 685 मार्क्स, एंड ईडब्ल्यूएसटी 907 रैंक 675 मार्क्स, ओबीसी 670 रैंक 680 मार्क्स, एससी थी 7335 रैंक 635 मार्क्स, एंड एसटी थी 27,822 रैंक एंड 584 मार्क्स। तो ये थी ऑल इंडिया कट ऑफ। अगर बात करें स्टेट कोटा कट ऑफ की, तो 4,437 रैंक जनरल की थी 647 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस थी 7,237 रैंक 635 मार्क्स, ओबीसी 12,741 रैंक 617 मार्क्स, और एससी थी 52,218 रैंक 545 मार्क्स, और एसटी थी 1,58,475 रैंक 424 मार्क्स के साथ। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा बाद में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है, अब आपकी मर्जी है, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहां से देख लेना आपकी मर्जी है कहां से। कुछ बच्चों की मेरे पास क्वारीज आई थी कि पेशेंट इनफ्लो कितना है, तो जैसे कि इनको फर्स्ट ईयर में जाते ही कि भेज देंगे हॉस्पिटल के अंदर कि जाओ तुम पेशेंट ट्रीट करो, बट हाँ पता होना चाहिए कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जिसमें तुम जा रहे हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज से जो अटैच हॉस्पिटल है उसके अंदर पेशेंट इनफ्लो कितना, ताकि जब तुम इंटर्नशिप करोगे, पोस्टिंग करोगे ना, तो तुम्हें जितना ज्यादा वहां पर पेशेंट इनफ्लो होगा उतना ज्यादा वहां पर अच्छे अच्छे केसेस आएंगे, तुम्हें उतना ज्यादा वहां पर सीखने को मिलेगा। तो इसलिए जितना ज्यादा पेशेंट इनफ्लो होगा किसी भी हॉस्पिटल के अंदर तो उतना तुम्हें सीखने को मिलेगा वहां पर। तो अगर बात करें आरएमएल के पेशेंट इनफ्लो के बारे में, तो 18 लाख केसेस हैं पर ईयर ओपीडी केसेस, 18 लाख, 3 लाख इमरजेंसी केसेस हैं पर ईयर,
और बेड्स की बात करें तो 1216 बेड का हॉस्पिटल है फिलहाल अभी करंटली, और ये अभी इंक्रीज हो रहा है। एंड और लैंड एरिया की बात करें, कितना लैंड एरिया में फैला हुआ है हॉस्पिटल, तो 30 एकड़ के अंदर अभी RML फैला हुआ है पूरा। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन अभी और बिल्डिंग ले रहा है, तो अभी और इंक्रीज होगा है लैंड, तो अभी तो 30 एकड़ के अंदर है। अगर बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल की वीडियो पूरी एक सेपरेट बनी हुई है पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस उसमें मैंने एक पॉइंट कवर नहीं किया था कि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है हॉस्टल के अंदर, तो ऐसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं कि ये टाइम लिमिट है, इसके बाद गेट ऑफ हो जाएगा तो गेट बंद हो जाएगा, तो हमें इससे पहले पहले आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ कोई नहीं है। तो उसकी वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कैंपस टूर भी देखना है कि कैंपस कैसा है हमारा, तो कैंपस टूर की वीडियोज भी बनी हुई है, लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। बात करें लोकेशन की, तो वन ऑफ द प्लस पॉइंट है RML का लोकेशन। तो RML सिचुएटेड है CP के अंदर, और CP दिल्ली का दिल है, तो दिल्ली के दिल से कहीं भी जाने के लिए, लाइक कहीं भी जाना हो ना, लाइक दिल्ली के अंदर तो 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है मैक्सिमम, तो कहीं भी जाने के लिए ज्यादा दूर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ हमारे आसपास ही है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है RML का लोकेशन। तो कहीं भी अगर घूमने जाना है तो ट्रैवलिंग में टाइम खर्च करने के बजाय सब कुछ आसपास ही है। सो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट ABV IMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और अगर कोई मैंने पॉइंट छोड़ दिया है, अगर आपको कोई क्वायरी है, तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।